प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में। प्रियो, आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी टेलीविज़न पे या ऐसी न्यूज़पेपर में हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसी खबरें सुनते हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, हमारा दिल टूट जाता है। और कुछ ऐसी बातें हमारे साथ, हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं, अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम देखकर दुखी हो जाते हैं, जब कुछ अपना अजीज़, कुछ ऐसे खास लोग हमसे दूर हो जाते हैं जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा हो और आप इसको लेकर बहुत दुखी हो, तो आज का ये वचन आपके लिए है। मेरे प्रियो, अगर आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की ही मर्जी है जो आपके जीवन में ये दुख आन पड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देते और परमेश्वर भी कभी ये नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, परेशान रहें, हमारे जीवन में दुख देकर परमेश्वर कभी खुश नहीं रहते। मेरे प्रियो, आज मैं ऐसी ही एक घटना आपको सुनाने वाली हूँ कहानी के रूप में, और मेरा विश्वास है जब आप इसे सुनोगे तो आप अपने जीवन में एक नई सोच को जरूर महसूस करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक लड़का था, अपने माता पिता का इकलौता लड़का। माँ बाप ने बहुत प्यार से उसे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। पिता बहुत प्रेम से उसे रखते और उसकी हर इच्छा को पूरा भी करते ताँ जो वो खुश रहे। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ, उसने अपना रास्ता खुद चुनना चाहा। उसने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर अपना नया रास्ता चुना। अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लिए जो पिता की इच्छा के खिलाफ थे। लेकिन मेरे प्रियो, पिता तो पुत्र से प्रेम करता था, वो उसे खुश देखना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया, तो उसने पिता से कहा कि मैंने ये आपका घर छोड़कर चले जाना है, मैंने आपके साथ नहीं रहना। तो उसने खुद ये डिसीज़न लिया। पिता ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा, वो अपनी इच्छा से घर छोड़कर चला गया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो घर छोड़कर चला गया तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग संगति के लोगों के साथ वो उठना बैठना हुआ कि वो अपने जीवन में भटक गया और बहुत सारे ऐसे गलत डिसीज़न लिए जिसके कारण वो बहुत ही अलग अलग विपत्तियों में और दुखों में फंसता चला गया। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़के के जीवन में जो दुख आए, जो परेशानियाँ आई, क्या उसके पीछे उसके पिता का हाथ था? क्या उसका पिता ये चाहता था कि वो उसे दुख दे? क्या पिता के चाहने के कारण वो दुखी हुआ, परेशान हुआ? नहीं मेरे प्रियो, उसने खुद डिसीज़न लिया घर छोड़कर जाने का। उसने खुद अपने जीवन में ऐसे फैसले किए, ऐसे रास्ते को चुना जहां आगे दुख था, परेशानियां थी। मेरे प्रियो, इसमें उसके पिता का कोई दोष नहीं था, कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही आज हम सब भी अपने अपने रास्ते को खुद चुनते हैं, अपने अपने फैसले खुद लेते हैं। अपने छोटे से फायदे के लिए हम दूर की नहीं सोचते, बल्कि झट से फैसला ले लेते हैं जो बाद में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी ऐसी समस्याएं आ खड़ी हो जाती हैं जिनका हमारे पास कोई हल नहीं होता। मेरे प्रियो, और जब ऐसी समस्या आती है तो हम सोचते हैं इसमें परमेश्वर की ही कोई मर्जी होगी। नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे गलत फैसले, हमारे गलत डिसीज़न है जो हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती हैं।
हमारे साथ अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, ये हमारे खुद के फैसले हैं। हमारे गलत डिसीजन, गलत रास्ते पे चलना है, हमारा गलत सोचना, गलत देखना, गलत विचार करना है मेरे प्रियो। इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप गलत करो, गलत सोचो, आप गलत संगति में जाओ, आप गलत लोगों के साथ उठना बैठना रखो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन को पवित्रताई में चलते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं रहेंगी मेरे प्रियो। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उस पुत्र ने घर छोड़कर गलती की, कहीं ऐसे आज हम भी तो नहीं कर रहे पिता के वचनों के अनुसार ना चलते हुए हम गलत दिशा की ओर तो नहीं जा रहे मेरे प्रियो। अगर ऐसा है तो आज भी समय है अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को पहचानिए और सही रास्ते की ओर मुड़ के आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती, आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाए, आप सही रास्ते पे चल पाएं, यही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब आप दिल से दुआ करते हैं तो परमेश्वर आपकी दुआओं को जरूर सुनते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ गलत फैसले, गलत डिसीजन लिए गए हैं तो आज ही घुटने टेकिए, तौबा करें। पिता परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आपको ज़रूर क्षमा करेंगे और आपको गले लगाएंगे, आपके जीवन में से हर समस्या को दूर करेंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।